यूरोपियन यूनियन रोड और रेल नेटवर्क में तैनात करेगा मिलिट्री, बड़ी खबर विजुअल्स के साथ। ईयू के टॉप डिप्लोमैट जोसेफ बोरेल का बड़ा बयान विजुअल्स के साथ 50-50 में। ईस्टर्न बॉर्डर पर हथियारों की सप्लाई के लिए सेना जरूरी, जोसेफ बोरेल दिखाए प्लीज। यूरोप में ईयू को अपनानी होगी नई डिफेंस पॉलिसी, ईयू को नेटो के साथ कोऑपरेशन भी बढ़ाना होगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस ने बातचीत के लिए ईयू के सामने रखी शर्तें, क्या शर्तें हैं? रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा का बयान विजुअल्स के साथ। हम भी मौजूदा समस्याओं को कम करना चाहते हैं, रूस के हितों की अनदेखी हमें कबूल नहीं। सीधे आइए बिग बॉल पर, ईयू से बात लेकिन शर्तों के साथ, क्या कहा है उन्होंने? सीधे आइए, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा, शर्त नंबर वन, कोई भी प्रस्ताव रूस के हितों को ध्यान में रखकर हो, नंबर टू, ऐसी कोई बात ना की जाए जो किया ना जा सके, नेक्स्ट। नंबर 3, अपनी इकोनॉमी की तबाही की शर्त पर कुछ नहीं करेंगे। नंबर 4, जो उन्होंने कहा, पश्चिम देश इस मुगालते में ना रहे कि सर्दियों में रूस को की परेशानी बढ़ेगी। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए और तीनों का पर्सपेक्टिव देखिए। पहले जोसेफ बोरेल ने कहा कि हम मिलिटराइज करने जा रहे हैं रोड्स को। दूसरी खबर, एथेंस की सड़कों पर हंगामा है, मोलोटोव कॉकटेल से वहां पर हमले चल रहे हैं, यह हाल है एथेंस का। तीसरी खबर, मारिया जाखारोवा ने जो स्टेटमेंट दिया है, दिखाइए तीनों खबर। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ जल चतुर्वेदी मौजूद है। सर, क्या लोगों की वजह से यह युद्ध जल्दी रुकेगा? क्या दरवाजे बातचीत के खुल रहे हैं? सर, शार्प रिएक्शन। सर देखिए, ये यूरोप में जो मुश्किलें आ रही हैं और अमेरिका भी जो रिसेशन में है, जिसकी वजह से ये लड़ाई को उनको कैलिब्रेट करना ही पड़ेगा, और वो बाइडेन के स्टेटमेंट से एंड स्टॉल्टनबर्ग के स्टेटमेंट से आ रहा है। जाखारोवा भी तैयार है बातचीत करने के लिए, लेकिन इसमें जेलेंस्की को समझना पड़ेगा, जो उनकी शर्तें हैं वो जो हैं वो एक तरह से अनएक्सेप्टेबल है किसी भी देश के लिए। रशिया उसको बिल्कुल मानने को तैयार है कि वॉर रेपरेशन भी पे करो, क्रीमिया भी छोड़ो, पूरे ईस्ट को भी छोड़ दो, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा इस तरह की बातों को। Understood. तो एक पॉइंट आना पड़ेगा जहां की, और इसमें लड़ाई का, जैसे मैं हर बार कहता आ रहा हूं कि ये अमेरिका ही जब तक हथियार की सप्लाई पे कंट्रोल नहीं करेगा जी। ज़ेलेंस्की सर, मैं आपको रोकूंगा, आई एम रनिंग लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम, आपको रोकने के लिए माफी।